नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगी, तो आइए पहले उन्हें जान लेते हैं। आज ही के दिन बॉलीवुड में पहले एकेडमी अवार्ड 1929 में दिए गए थे। पहली बार यह अवार्ड शो हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल के ब्लॉसम रूम में हुआ था। आज के दिन उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27% ओबीसी कोटा पर रोक के कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय को 2008 में खारिज कर दिया था। आज के दिन वेस्ट इंडीज में आयोजित 2020 विश्व कप के निर्णायक मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 147 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल किया था और पहली बार विश्व विजेता 2010 में बना था। आज के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार क्लोन किए गए इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल यानी मूल कोशिका निकालने में 2013 को सफलता मिली थी। आज के दिन रुस्तम जी मोदी टाटा समूह के सदस्य और टाटा इस्पात के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक 2014 में थे। आज के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां साहनी का जन्म 1933 में हुआ था। गुलशेर खां साहनी प्रसिद्ध कथाकार एवं साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य और साक्षात्कार के संस्थापक संपादक थे। नवभारत टाइम्स में भी इन्होंने कुछ समय काम किया था। आज के दिन भारतीय राजनेता व विद्वान पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार नटवर सिंह का जन्म 1931 में हुआ था। आज के दिन 1911 में कलकत्ता में बने कल्लाह वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ था। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक कहा गया था। आज के दिन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। वे 1996 में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन 16 मई को हर साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। किसी भी दिन को मनाने के पीछे का कारण उस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना होता है।